बीती रात हुई चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहन नगर क्षेत्र शांति नगर में डोंगरगढ़ से आई बारात में शामिल युवकों पर स्थानीय नशे के आदि लोगों ने शुक्रवार की रात निकली बारात में घुसकर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिलते ही मौके पर मौजूद सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की पतासाजी में जुट गई। पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव तथा नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग वैभव बैंकर के मार्गदर्शन में रात को ही चारों आरोपियों को धर दबोचा गया, जहां थाना मोहन नगर ने अपराध कायम कर सभी चारों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। इस संबंध में दुर्ग सीएसपी वैभव बैंकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जी, कल रात को एक मामला आया था मोहन नगर थाना क्षेत्र में कि जहां पर कुछ बराती लोग थे, उनके ऊपर चाकूबाजी की गई थी, जिसके संदर्भ में त्वरित से मोहन नगर और दुर्ग की जो टीम है उसको गठित करके आरोपियों को पकड़ने के लिए कवायद की गई थी, जिसके संदर्भ में चार आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और कानूनी कार्यवाही की जा रही है। चार आरोपी इसमें शामिल हैं। उसकी जांच चल रही है, फिलहाल ऐसा कोई मामला सामने नहीं है। घटनाक्रम ये था कि वहाँ पर जो आरोपी गण हैं उनके द्वारा कुछ किसी एक्टिवा या स्कूटी से ले जाकर किसी बराती के साथ वाद विवाद हुआ था, जिसी के संदर्भ में बदला लेने की भावना से आरोपी जो है वो वहाँ पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर वाद विवाद किया और चाकूबाजी की। क्या मामला पंजीबद्ध किया गया? मामला जो है वो 307 की धारा में पंजीबद्ध किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।